हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं अभी जो है तो नाश्ता बना रही हूँ। बच्चों को स्कूल जाना है तो आकृति और अंश को, दोनों को मैंने भुट्टा भून के दे दिया, तो ये दोनों खा रहे हैं। और एक एक पराठा भी इन्होंने खाया है, और बस लास्ट पराठा बचा हुआ था तो बस इसे सेंक देती हूँ और बस इनका टिफिन पैक करके इन्हें दे दूँगी। और सुबह सुबह ना बहुत जल्दी रहती है ना, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो यहाँ पर मैं पेपर में लपेट करके जो है तो पराठे रख दे रही हूँ, और साथ में जो है तो अचार रख दूँगी। और बच्चे ना सब्ज़ी आज थोड़ा लेट हो गया था तो नहीं बन पाई थी, और साथ में एक सेब रख दूँगी तो दोनों लोग आधा आधा खा लेंगे। देखिए तो यहाँ पर मैंने सेब को धुल लिया था, बस इसे काट दे रही हूँ। और आकृति का एडमिशन नहीं हुआ स्कूल में, तो बस वो ऐसे ही चली जाती है अंश के साथ, कभी कभार ज़्यादा नहीं जाती है। तो जब जाती है तो दोनों का टिफ़िन अलग अलग पैक कर देती हूँ, ताकि मतलब लड़े झगड़े ना। तो एक टिफ़िन में मैंने सेब रखे क्योंकि आकृति वाले में नहीं बन रहे थे, तो उसके वाले में मैंने अचार और पराठे रखे हैं। और इसके अंश के टिफ़िन में जो है तो पराठे और सेब रख दिए हैं, आकृति के टिफ़िन में जो है सेब नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर वहाँ पर ना ये दोनों लोग आधा आधा करके खा लेते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैंने नहा लिया है और नहाकर पूजा भी मेरी हो गई है, और बच्चों को मैंने बना दिया है नाश्ता। तो उनका मैंने टिफिन लगा दिया था तो वो लेकर चले गए हैं, और अभी मैं इनके लिए भून रही हूँ भुट्टा। देखिए कल ये लेकर आए थे और इतने छोटे छोटे भुट्टे हैं, तो ये कल लेकर आए थे तो बस बच्चों को मैंने भून करके दे दिया था। बस यही अपने लिए और इनके लिए भून रही हूँ। तो अभी तो मैं इनके लिए भून रही हूँ क्योंकि ना मुझे पीनी है चाय, तो दूध नहीं है अभी, पर ये ना लेने जा रहे हैं। और तब तक मैं इनके लिए भुट्टा भून करके तैयार कर रही हूँ, तब तक ये जो है तो दूध लेकर आ रहे हैं। सो फिर मैं चाहती ना मुझे काटना है ये कद्दू। और अभी ना मैंने सुबह ही दाई आई थी बेचने वाली, तो बस उन्हीं से लिया था एक किलो से ज़्यादा है, तो बस वही लिया था। तो अभी मैं जो है तो मैं कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाने वाली हूँ, और बच्चों का भी मैंने पूड़ी खाने का, तो मैंने कहा ठीक है कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बनेगी। तो जब तक ये दूध लेकर आने वाले हैं, तब तक मैंने यहाँ पर ये सब्ज़ी भी काट ली है। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है दुकान, तो लेकर अभी आने वाले ही होंगे। तो सब्ज़ी वगैरह काट के रख दी थी, ये दूध ले आए थे। और एक पैकेट मंगाती हूँ 10 रुपये का, क्योंकि ना दोनों टाइम की चाय हो जाती है, बच्चे पीते नहीं हैं। पर मैं सोच रही हूँ कि दूध लगवाना पड़ेगा क्योंकि ना आकृति जैसे कि मांगने लगती है। तो यहाँ पर मैंने दूध जो है तो निकाल के रख दिया, पहले पका लेती हूँ। और ये है पोहा, तो इसे डिब्बे में भर कर रख देती हूँ। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि ना मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर रही थी, इस वजह से नहीं आ पाया, सॉरी। तो अभी चाय बना लूँ। सो ये है चाय, और आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए। सो दोस्तों चाय मेरी बन गई, और साथ में मैंने दो पराठे भी लिए हैं। तो चाय वाय पी ली है मैंने, और अभी जो है तो कपड़े हैं तो धुलने के लिए रख दिए हैं, और ये छिक्कल हैं तो गाय के डाल दिए हैं मैंने। और अभी यहाँ का पंखा बंद कर देती हूँ, चाय पीती थी बैठ कर के पी रही थी तो फिर चालू कर किया था। और इसके बाद अभी आई हूँ रूम में, तो बस ये जो बेड शीट है इसे पलट कर मैंने बिछा दिया था क्योंकि ना थोड़ा बहुत गंदी जैसी हो रही थी। पर मैंने इसे मैंने कहा ठीक है आज और चल जाएगी, क्योंकि ना कल मुझे ना रूम की क्लीनिंग करनी है, तो फिर मैं इसे चेंज करूँगी। 4-5 दिन ही बिछाती हूँ, ज़्यादा नहीं बिछाते हैं क्योंकि ना बच्चे हैं गंदे कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो थोड़ा मैंने कहा हाथ मुँह धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने जाऊँगी। अभी जो है तो पोंछ लेती हूँ तौलिए से, और इसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर जो है तो कढ़ाई रख दिए, तेल भी गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर कद्दू निकाल के रख लेती हूँ पानी से, देखिए। और ऐसे रख देती तो थोड़ा थोड़ा ना काला काला जैसे हो जाता है। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया था तो मेथी दाना और 2 लाल मिर्च डाली हैं, और इन्हें फ्राई होने तक थोड़ा छोड़ देती हूँ, 1 मिनट में फ्राई हो जाएंगी। और ये हमारे घर का तेल है ना, तो थोड़ी में ही हो जाता है, क्योंकि देखो जो बाहर का तेल आता है ना वो मिलावट वाला आता है। तो यहाँ पर मैंने कद्दू डाल दिया था, नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार, और बस इसे मिक्स कर दूँगी और इसे ढक दूँगी। और देखिए ना मैं आज ना भंडारे वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो सब्ज़ी मैंने ढक दी, और यहाँ पर मैंने मसाला पीसा हुआ है, हल्दी नहीं पीसी है, लाल मिर्ची, धनिया और लहसुन अदरक पीसा हुआ है बस। और बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी, तो बारिश हो रही है मेरे यहाँ, तो उसी की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर सब्ज़ी जो है तो मैं दूसरे चूल्हे में चढ़ा दी हूँ, और एक साइड जो है तो मैं कढ़ाई रख दी हूँ पूड़ी बनाने के लिए। तो जब तक मैं लोइयाँ तोड़ लेती हूँ, और कढ़ाई गर्म हो गई है तो अभी इसमें मैं तेल डाल दूँगी, और साथ में ना मैं 2-4 पूड़ी जो है तो बेल के रख लूँगी। क्योंकि ना आज ये दिक्कत हो गई है कि जब बच्चे मेरे पढ़ने जा रहे थे ना तभी मैंने आटा लगा करके रख लिया था, तो ये ना 2-3 घंटे रखा रहा, तो इस वजह से ना ये ज़्यादा फूल गया है तो गीला हो गया है, तो ना बेलने में थोड़ा दिक्कत जा रही थी। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं पहले से ही 3-4 बेल के रख लेती हूँ, ताकि फिर मुझे पूरी तलने में आसानी हो, और बीच में सब्ज़ी भी चलाती जा रही हूँ ताकि ये जले ना। और
कद्दू की सब्जी और पूरी किसे पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये ना अंश के पापा, इन्हें ना तली भुनी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं हैं, तो इनका मतलब कोई कभी भी ये नहीं बोलते कि तुम ऐसा बना लो। और हम लोगों का मन होता है जब मेरे बच्चों को और मेरा मेरा तभी मैं बनाती हूँ, वरना ये तो कभी भी नहीं कहते, कभी भी नहीं कहते। मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर मैंने देखी पूरियाँ तलने लगी हूँ और इस तरीके से बन रही हैं, और बच्चे मेरे 2 बजे तक आएंगे तो मैं तल के रख ले रही हूँ, क्योंकि ना फिर आटा और ज़्यादा गीला हो जाएगा, पर टिफिन में रख देंगे ना रोटियों वाले, तो रोटियों वाले में तो ना फिर ये ना गर्म बनी रहेंगी। तो यहाँ पर मेरी सब्जी जो है तो काफ़ी ज़्यादा भुन चुकी है और पानी भी इसका निकल गया। अदरक निकला ना तो आप लोगों को थोड़ा आवाज़ सुनाई दी होगी। तो यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए थे जो मैंने पीसे थे, और साथ में मैंने हल्दी डाल दी थी, और ये आमचूर पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला, और बस इसे ना छोड़ दूंगी धीमी आँच में, तब तक ये अच्छे से तेल ना छोड़ दे, तब तक इसे अच्छे से पकाऊंगी। और कद्दू जब तक मैसी ना हो जाए तब तक अच्छा भी नहीं लगता खाने में। ए शोर न मचाओ। तो यहाँ पर जो है तो मैं पूरियाँ तल लेती हूँ, देखिए, और वैसे भी तल ही गई हैं, थोड़ा बहुत बची हुई हैं, तो चलिए इनको भी तल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो खाना मेरा बन गया है, तो अभी थोड़ा सा स्लिप को साफ कर देती हूँ, और आप लोग मुझे बताइए कि मैं अपने किचन में क्या रखूँ। मेरे किचन में ना बहुत ज़्यादा चींटी निकलती हैं, तो स्लिप को साफ कर दिया, और ये देखिए मेरा जो है तो खाना बन गया। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म सब्जी और पूड़ी खाने के लिए। और मैंने ना इन्हें ढक दिया, अभी मैं खाना वाना नहीं खाऊंगी, पहले मेरे बर्तन पड़े हैं तो बस इनको भी धुल लेती हूँ। तो देखिए आते मैंने मांझ करके रख लिए थे और इन्हें धुल भी दिया था, तो मैंने कहा ये बर्तन धुल लेती हूँ, देखिए डले रहते हैं तो फिर नहीं अच्छा लगता है, खाना वाना खाने लगो। तो फिर मैंने जो है तो ये बर्तन धुले, और पूरे घर में झाड़ू भी लगा दी थी किचन साफ़ करने के बाद। और इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद ये बर्तन धुल के रख दिए, और ये 2-4 कपड़े हैं तो इन्हें भी छोड़ दूंगी सूखने के लिए, फैला दूंगी धुल करके। इसके बाद फिर मैं अपना खाना खाऊंगी आराम से, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा देर आराम करेंगे, फिर वीडियो की एडिटिंग करूँगी। तो अभी जो है तो भुट्टा खाने का टाइम आया, मुझे याद आया कि भुट्टा रखा है मेरा, वरना शाम को बच्चे आ जाएंगे फिर वही खा लेंगे, मैं खा ही नहीं पाऊंगी, तो फिर मैंने इसे भून लिया है। यमी भुट्टा, सो आप लोग भी आ जाओ भुट्टा खाने के लिए। देखिए भून गया है, तो मैं अभी खा रही हूँ और यहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि ना यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा था, और लाइट तो है नहीं जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था, इस वजह से फिर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। तो चलिए खा लीजिए। अच्छा तो अभी ना इवनिंग के 5 बज गए हैं, तो आप सभी को गुड इवनिंग। और यहाँ पर आकृति को मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ना कोचिंग का काम नहीं किया इसने। तो अभी ना रात के 7 बज चुके हैं, बच्चे मेरे कोचिंग से आ गए थे, और यहाँ पर अंश जो है तो ब्लॉग बना रहा था। तो अभी जो है तो ये राशन है जो जैसे कि ख़त्म हो जाता, थोड़ा बहुत ये गुड़ और चीनी वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो ये कल लेकर आए थे, पर मुझे ना इसे डालने का टाइम ही नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा डाल देती हूँ, वरना गुड़ और चीनी में तो चींटी हो जाएंगी, वैसे भी मेरे किचन में बहुत ज़्यादा चींटी आती हैं, तो मैं इकट्ठा मंगा लेती हूँ 10-15 दिन के लिए, ताकि ये 10-15 दिन तो चल ही जाए, और 2-4 दिन में मंगाते रहो तो वो नहीं सही रहता, तो इस वजह से मैं 15 दिन के लिए मंगाती हूँ, और 15 दिन के बाद फिर मंगा लेती हूँ। तो चलिए भर के रख देती हूँ इन्हें। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल करके डिब्बों में रख दी थी, और इसके बाद एक सुबह का तेल रखा था कढ़ाई में, तो बस इसे पलट के रख देती हूँ, किचन को साफ कर देती। दोस्तों अभी जो है तो रात के 10 बजने वाले 15 मिनट बाद 10:45 है, तो अभी यहाँ पर देखिए बच्चे जो है तो मेरे राखी बना रहे हैं, राखी जो रक्षाबंधन में राखी होती है ना, तो इनकी ना बहुत सारी राखी बांधी गई थी अंश के और अंश के पापा के, तो इन्होंने ना जो है तो निकाल के रख दी थी। तो ये लोग ना ये देखिए इस तरह डिब्बे में भर करके रखे हैं, और जब इनका मन होता है ना तो यही बनाते रहते हैं और फिर बिगाड़ देते हैं, बनाते हैं फिर रहते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं तक है, और देखिए देखिए मैंने बालों में ना तेल डाल करके बाल बांधे हुए हैं, तो बिल्कुल चिपके हैं बाल, तो फेस कैसा लग रहा है। मैं अपने वीडियो का करने जा रही थी एंड, तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा बातें कर लूँ, और जो किचन वगैरह था साफ कर दिया, और अभी ना मुझे बर्तन धोने जाना है, तो मैंने कहा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वीडियो को एंड कर दो, इसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। तो
दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।